हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत है एक बार से हमारे एक नई वीडियो में। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप रेडमी नोट 11 SE मोबाइल में दोस्तों आप ऐप को लॉक कैसे करते हैं। दोस्तों, आप अपने मोबाइल में किसी भी ऐप पे लॉक लगा सकते हैं। तो ऐप को लॉक करने के लिए आपको अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना है, और जैसे ही मोबाइल की सेटिंग को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होता है। आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है ऐप्स का ऑप्शन। तो आपको सिंपल ऐप्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ऐप लॉक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको ऐप लॉक पे क्लिक करना है। अब जैसे ऐप लॉक के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं दोस्तों, आपने यहाँ पे प्राइवेसी पासवर्ड या पैटर्न दोस्तों सेट किया रहेगा, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर दोस्तों नहीं सेट किया तो आपको यहाँ से बना लेना है। जैसे दोस्तों आपको यहाँ से बनाएंगे, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाता है। अब अगर दोस्तों आप चाहते हैं फिंगरप्रिंट को ऐड करना, तो यहाँ पे आपको दोस्तों फिंगरप्रिंट अनलॉक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सेटिंग पे जाके आप फिंगरप्रिंट को ऐड कर सकते हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ पे कैंसिल के पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपके मोबाइल में सारी सारी एप्लीकेशन आ जाते हैं। जिस भी ऐप को लॉक करना चाहते हैं उसको दोस्तों यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं गूगल को ऑन कर लिया है, यानी कि दोस्तों इनेबल किया हूँ, और दोस्तों ये हमारा गूगल लॉक हो चुका है। तो आप बैग आके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो मैंने ऐप लॉक किया था वो लॉक हुआ है नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे गूगल को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा ये ऐप लॉक हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे जो पैटर्न मैंने वहाँ पे बनाया था वो यहाँ पे ड्रॉ करना है, वैसे ही हमारा गूगल अनलॉक हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप आसानी से रेडमी नोट 11 SE मोबाइल में दोस्तों ऐप को लॉक कर पाएंगे। आई होप कि दोस्तों वीडियो से जानकारी मिली। प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।